माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या ऐसा हो सकता है कोई रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, फिर भी वो टॉक्सिक है, फिर भी आपको स्ट्रगल देता है, आपको चैलेंजेस देता है, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है? क्या ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप हील कर सकते हैं? कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। कोई भी रिलेशन हो, आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। ये सारी हीलिंग्स मैं आपको दे रहा हूँ और ये अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएगा रिलेशनशिप को लेकर, तो इसको जरूर अप्लाई करो। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को जो हीलिंग्स हुई है या इम्प्रूवमेंट आया, उसी के बेसिस पे मैंने कुछ 4 या 5 हीलिंग्स निकाली है जो आप अपनी लाइफ में हर लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी हो या सोलमेट की या फिर कार्मिक, किसी भी फेज पे आप हैं या कोई भी रिलेशन आपका बन रहा है, कार्मिक कनेक्शन कितना भी स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं आपको उतना पेन सफरिंग नहीं होगी अगर आप इन चीजों को अप्लाई करते हैं। अगर आपको क्रेविंग हो रही है, बॉडी में कोई दिक्कत है, हम सभी लेवल्स पे बात करेंगे, मेंटल लेवल पे बात करेंगे, फिजिकल लेवल पे बात करेंगे, इमोशनल लेवल पे बात करेंगे एंड स्पिरिचुअल लेवल पे बात करेंगे। इन सभी सतहों को हील करने की कोशिश करनी है, देन कोई भी रिलेशन कितना भी टॉक्सिक हो, चाहे वो स्ट्रांग ही क्यों ना हो, उसे आप हील कर सकते हैं। समटाइम ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी टॉक्सिक की जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि आपके पर्सनल ऊर्जाएं, आपकी वाइब्रेशंस बहुत लो होती हैं, आपके कार्मिक पैटर्न इतने होते हैं कि आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा होता है। कई केसेस में आपका रियूनियन भी हो जाएगा अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल लेवल पे, हम किस तरह की हीलिंग्स कर सकते हैं रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, आपके डिफरेंट मसल्स हैं, आपका पूरा शरीर सिर्फ हार्ड मास का नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली भी सपोर्ट करता है। तो आपकी फिजिकल बॉडी को समझना, उसके कंपोनेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। आपको कहीं ना कहीं इसमें आयुर्वेद का सहारा लेना है, वात पित्त कफ, आपकी कौन सी एनर्जी बढ़ी हुई है या कौन सी एनर्जी पे काम करना है, आपको इसको समझना पड़ेगा। अपने शरीर की प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा, जिस तरह की आपके मन का बिहेवियर होता है, उसी सेम तरीके से आपका शरीर का भी एक टेंडेंसी और बिहेवियर होता है, जिन्हें हम शारीरिक संस्कार कहते हैं। ये शारीरिक संस्कार, अगर आप किसी काम को बार बार करते आए हैं, शरीर आपका बार बार उस चीजों में इन्वॉल्व होता है, गहरे से गहरी शरीर की जो प्रवृत्ति है वो है भूख लगने की। ये एक आदत है, ये एक संस्कार है और इसके बिना आप दूर नहीं जा सकते। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, और अगर उन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमको रियूनियन में दिक्कत आएगी या उस रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। तो शरीर में जो भी वाइब्रेशन, जो भी हैवीनेस, जो भी दर्द हो रहा, उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, उसको एक्सरसाइज के थ्रू। और सबसे बड़ा इसमें आपको हील कर सकती है चीज, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो है त्राटक, वो है फिजिकल वर्कआउट। ये 3 चीजों को आप करिए, आपका शरीर जैसे से हेल्दी होगा, फिजिकल लेवल पे आप ठीक हो जाएंगे, उस रिलेशनशिप में कुछ ही दिनों में आप डिफरेंसेस महसूस करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा प्रयोग करिए बॉडी स्ट्रेचिंग का। कैसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्ट्रेचिंग करते हैं और खूब एक्सरसाइज करते हैं, उनका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज या बहुत सारे आप ऐसी जगहों पे देखिए जो बहुत अच्छे स्तर पे हैं, उनकी वर्कआउट बहुत अच्छी रहती है, उनका रूटीन अच्छा रहता है एंड उनका फूड और डाइट अच्छी रहती है। फिजिकल बॉडी सही होगी देन आपका ऑरा प्रॉपर बनता है, वो आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट करता है। और उसके बाद आप जब स्वेटिंग करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, तो आप फील करते हैं कि आप कहीं ना कहीं साइकिक अटैक से, आपके ऊपर जो भी इमोशनल अप डाउन आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने काउंटर पार्ट से लड़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से आप उस रिलेशनशिप को प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोच पाएंगे और अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। और इसी वजह से फिजिकल बैलेंस जरूरी है। जैसे ही आप में हो जाता है एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आपका काम करेगा। दूसरे लेवल पे आपको हील करना है अपनी मेंटल बॉडी को। मेंटल बॉडी के लिए आपको कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल बॉडी आपके क्रिएटिव काम है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी है और आपकी थर्ड आई भी है। कहीं ना कहीं हम बुद्धिवादी बहुत हैं और हम किसी भी डिसीजन को लॉजिकली सोच के लेते हैं। अगर उसमें बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, और ये इम्बैलेंस आपको ऐसे दिखेगा कि आप
बॉडी को या तो एकदम इग्नोर कर देंगे, मेंटली आपको ओवर थिंकिंग आ रही होगी, एक्सेसिव प्रोकास्टिनेशन होगा, चीजों को टालना या अच्छे से वर्क ना करना, इस तरह की बहुत सारी टेंडेंसीज अगर आप में आ रही हैं, तो कोई भी रिलेशनशिप हो वो वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसमें अपनी थर्ड आई को बैलेंस करिए। आपको समझना होगा थर्ड आई का हमको मेडिटेशन रैली में जरूरत है या नहीं जरूरत है। उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं मैं काफी बार प्रोवाइड करता हूँ, वो स्ट्रेचिंग थर्ड आई से रिलेटेड वो करिए, राइट, आसन करिए, और जो भी ओम का जप होता है या ऐसी एक्सरसाइज करती है जिससे वाइब्रेशन हाई क्रिएट होती है और जिससे क्लिंजिंग होने में आपको हेल्प मिले। और इसमें सबसे बड़ा आप रोल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चार्ट का, जिसमें मरकरी की कंडीशन, जिसमें गुरु की कंडीशन, जिसमें मून की कंडीशन आप अच्छे से देख सकते हैं। मरकरी जो आपकी बुद्धिमता को, जो आपके आईक्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी प्लेसमेंट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप मेंटली बैलेंस हैं कि नहीं है, क्या हमको किस लेवल पे कैसे हीलिंग करनी है जिसके बाद से उस रिलेशनशिप को आप ठीक कर सकें। तीसरे लेवल पे बात करते हैं, वो है इमोशनल हीलिंग। ये काफी बार है, इसमें आप प्राणिक हीलिंग का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप इमोशनली क्लींस करते हैं अपने आप को। इसमें सभी तरह के चक्रा आते हैं, ओके? तो जो भी लोग चक्रा ओनली मेडिटेशन करते हैं या सेवन चक्रा कर रहे हैं, उनको सिर्फ फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ इमोशनल हीलिंग करने के लिए है, आपकी सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं है। तो आपको समझना होगा आपका रूट चक्र आपकी फिजिकल बॉडी है, आपका सैक्रल चक्र आपकी प्राण ऊर्जा है, एथरिक बॉडी है, जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है वो है, उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सेक्सुअल थॉट बहुत या तो बढ़ जाएंगे या तो आप उस एनर्जी को बहुत दबाएंगे, तो यहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा। अगर वो बैलेंस नहीं है उसके बाद कोई भी रिलेशन हो आपका गड़बड़ हो ही जाएगा। थर्ड है आपका सूक्ष्म शरीर का ठीक रहना। अगर आपका सूक्ष्म शरीर ठीक नहीं है, आपका सोलर प्लेक्सस ठीक नहीं है, तो आप रिलेशनशिप में बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बहुत हाइपर हो जाएंगे, बहुत एक्सपेक्टेशंस करने लगेंगे और किसी भी अच्छे रिलेशन को एक कार्मिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपका पार्टनर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं नीचे के तीन चक्रों को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर वो रिलेशनशिप अभी भी आपका टॉक्सिक बना हुआ है, आप जानते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, मुझे हीलिंग देता है, लेकिन सम टाइम वो टॉक्सिक की जैसे बिहेव होता है, उसमें टॉक्सिक जैसे इवेंट घटते हैं, ऐसे कार्मिक जैसे इवेंट घटते हैं, तो आपको नीचे के तीन चक्रों पर अच्छे से वर्क करना है। बात आती है लास्ट स्पिरिचुअल हीलिंग। ये आप जैसे करते हैं वैसे ही उस रिलेशनशिप को आप 100% इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि 25 25 25 25, ये सभी सेक्टर्स में आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। लास्ट का जो 25% है जिसमें हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पे काम करते हैं, इसी के अंतर्गत आप अपने हार्ट चक्रा पे, अपने आप विशुद्धि चक्रा पे, अपने राइट अपने क्राउन चक्रा पे काम करते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा ऊपर उठे और आपकी ऊर्जा में एक क्षमता है, आपकी वाइब्रेशन में क्षमता है, आपकी स्पंदन आपकी वाइब्रेशन तीव्र हो, आपका स्पंदन हाई लेवल पे हो, आपकी कॉन्शियसनेस हाई लेवल पे हो। देन उसके बाद आपको कॉस्मिक एनर्जी बहुत अच्छे से मिलती है, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, आपको मोटिवेशन आता है, आपको पता चलता है हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू रिस्पॉन्स, हम इस गड़बड़ हो रही है तो हम इसको कैसे ठीक करें, इस रिलेशनशिप में सामने वाले को कैसे हील करें, या क्या हम बोले कि वो हील हो जाए, ये रिलेशनशिप में इतना ऑन ऑफ ना है। तो आप समझ रहे हैं ये आपका भाव शरीर है, और यहां तक अगर आपकी स्पिरिचुअल ऊर्जा बैलेंस होगी तो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी आपकी भावनाएं एकदम बैलेंस हो जाती हैं। आप बहुत सोच समझ के बोलते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही बोलते हैं, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है उसे आप कहीं ना कहीं अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत, उस समय आपको साइकिक अटैक होना भी बंद हो जाते हैं। जब तक आप आगे के थ्री स्टेजेस में हैं तब तक आपको साइकिक अटैक होते हैं, तब तक एनर्जी आपकी हाई और लो जा सकती है, आपको नजर लग सकती है, आप भटक सकते हैं रास्ते से। लेकिन एक बार जब आपकी ऊर्जा थर्ड आई और क्राउन चक्र तक बैलेंस हो जाती है, उसके बाद आप एक हीलर की तरह, एक लाइट वर्कर की तरह रिस्पॉन्स करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे। आप कोई भी एनर्जी बहुत जल्दी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, आप खुश रहेंगे, और आप उस फेज में पाएंगे कि वो अगर ट्विन फ्लेम रिलेशन टॉक्सिक भी है तो आप उसे हील करने में पूरी तरह से कैपेबल हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में पूरी तरह से क्षमतावान अपने आप को पाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी तरीके से एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशन, इन चार सतहों पे हील करना इंपॉर्टेंट है। और जब इन चार सतहों पे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी आप हील करते हैं या फिर एनी काइंड ऑफ अच्छे कनेक्शन को भी आप हील करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, हार्मोनियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि चार सेक्टर्स में काम करें। होप आपकी कुछ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो और इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपकी ये वीडियो काम आ रही है और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, उनको भी शेयर करें। मिलते हैं स्टूडियो में, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।